Dear students, good morning. Welcome back to the class. चलिए आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, थोड़ा अपना केयर लीजिएगा. आज हम हमारा दूसरा वीडियो क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा चैप्टर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट. पहला पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, दैट मींस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो वैसे ही आज जो हमारा वीडियो होने वाला है, हम इसी स्लाइड से आगे बढ़ेंगे. जैसे हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके थे, आपको तो पता ही होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके थे, राइट. तो हमारा जो दूसरा वीडियो है आज जो हम करने जा रहे हैं, हम हर चीज का, जैसे हमने पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखा, एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है उसको देखा, फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी लिए, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देखा, है कि नहीं. सोशलिस्ट इकोनॉमी भी क्या है हमने देखा, उसके बाद क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में थोड़ी चीजें हमने देखा, उसके बाद चीजें उसकी डिमेरिट्स एंड मेरिट्स के बारे में देखा, उसके बाद हमारा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में भी हमने देखा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है. आज जो हमको डिस्कस करना है वो है क्या, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में. इसकी एडवांटेजेस को हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आज मैक्सिमम कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, राइट. देखिए, आप मिक्स्ड इकोनॉमी के कुछ एडवांटेज सेक्टर एडवांटेजेस क्या है, एनकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर. जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इट इज एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर एंड इट गेट्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करता है और प्राइवेट सेक्टर क्या प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रो करने के लिए. इट्स लीड टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन विद इन द कंट्री, दैट मींस कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है. दूसरा क्या, फ्रीडम भी किस क्या मिलता है. देखो, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज बोथ इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल फ्रीडम एज फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट को जैसे मिलता है मिक्स्ड इकोनॉमी में हमको क्या, ऑक्यूपेशनल फ्रीडम और हमको इकोनॉमिक फ्रीडम भी यहाँ मिलता है. एवरी इंडिविजुअल हैज अ लिबर्टी टू चूज एनी ऑक्यूपेशंस ऑफ हिज चॉइस. यहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, दैट डिपेंड अपॉन हिम. सिमिलरली एवरी प्रोड्यूसर कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शंस एंड कंजप्शंस. यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोडक्शन कर सकता है और क्या कंजप्शन हो रही है उसके ऊपर बेस कर. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, अभी ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना है. जैसे एक गन्ने को, जैसे कुछ हम गन्ना, एक मान के चलो कि गर्मी के दिन में गन्ना एक क्या है, रिसोर्सेस है. एक बार हम गन्ने को जूस निकालेंगे तो क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होती है उसकी, वो रिसोर्सेज का हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया. उसको जैसे बार बार तोड़ मरोड़ के 15 बार फोल्ड करके मशीन में डाल के जूस निकालने तक हम उसको यूटिलाइज करें, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस. समझ रहे हो. तो जैसे गन्ने के एग्जांपल से कि आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस क्या है. अंडर दिस सिस्टम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर वर्क फॉर द एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस. अभी देखो, मैंने ये चीजें बता दिया, यहाँ पे क्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों रिसोर्सेस के एफिशिएंट यूज के लिए काम करेंगे. पब्लिक सेक्टर एंड सोशल बेनिफिट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर किस चीज के लिए काम करेगा, सोशल बेनिफिट के लिए काम करेगा, और प्राइवेट सेक्टर किस चीज के लिए काम करेगा, ऑप्टिमम ऑफ द रिसोर्सेस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. वो अपना काम करेगा ही करेगा, आपको तो पता है ये प्राइवेट सेक्टर क्या करता है. उसके बाद कॉम्पिटिशन एंड एफिशियंट प्रोडक्शन. Due to the competitions between both private and public sector, the level of efficiency remain high. यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देना है. Due to competition between both private and public, the level of efficiency remain high. मतलब कोई भी क्वालिटी
बहुत ही अच्छा क्वालिटी हमको मिलेगा. ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क एफिशिएंटली इन होप ऑफ प्रॉफिट. ये ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सब ये क्या है, हमने मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है. ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे, एफिशिएंटली प्रॉफिट के लिए यूज किए जाएंगे. सोशल वेलफेयर डेफिनेटली, पब्लिक जो सेक्टर होगा वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा. अंडर दिस सिस्टम द मेन प्रायोरिटी इज गिवन टू सोशल वेलफेयर थ्रू इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग. द प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे ध्यान देना, हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी में लेके जा रहे हैं, जो भी प्लानिंग हम बनाएंगे वो किस चीज के लिए बनाएंगे, हमारा इफेक्टिव सोशल वेलफेयर के लिए हम प्लानिंग बनाएगा कौन, पब्लिक सेक्टर बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा. और जो प्राइवेट सेक्टर होती है, ये प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के अंतर ही रहेगी. प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर डिटरमाइंड टू द अचीव ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. अब ये देखना, प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्शन क्या करेंगे, प्राइस कितनी रहेगी, ये सब डिटरमाइंड होगा किसको मद्देनजर रखते हुए, सोशल वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए ये चीजें कराई जाएगी. दूसरा क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अंडर दिस सिस्टम बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉइन देयर हैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो और सोशल डेवलपमेंट भी हो. दैट मीन्स सोसाइटी में जैसे आप मान के चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, डिग्निटी मेंटेन वाली हो गई, ये सब भी साइड बाय साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ रहेगी, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं. मोर एवर गवर्नमेंट एनएक्ट मेनी लेजिस्लेटिव मेजर्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे चीजें स्टेप्स लेता है हमारे सोसाइटी में पुअर और वीकर सेक्शन कभी भी प्रॉब्लम में ना आए. Hence, for any development country, mixed economy is a right choice. इसीलिए mixed economy को preferable क्या economic माना गया है, economy माना गया है किसको, mixed economy को. Understood? अभी यहाँ पे एक बार आप इसको पढ़ना और notes जरूर बनाना इस तरह, नहीं तो problem में आप लोग आ सकते हो. ये notes बन जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है. नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी आप देखो, पहला तो चीज आता है कि आपको ये क्या अनस्टेबिलिटी. अनस्टेबिलिटी मतलब सम इकोनॉमिक्स क्लेम दैट मिक्स्ड इकोनॉमी इज मोस्ट अनस्टेबल इन नेचर. कैसे, द पब्लिक सेक्टर गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट वेयर प्राइवेट सेक्टर रिमेन कंट्रोल्ड. ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखो कि इकोनॉमिस्ट होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, बोले क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर अपने हिसाब से क्या करता है, मैक्सिमम बेनिफिट ले लेता है और प्राइवेट सेक्टर को अपने कंट्रोल में रख लेता है ताकि प्राइवेट सेक्टर बढ़ नहीं पाता है आगे, ठीक, समझ रहे हो ना. मगर मेन मोटिव क्या है, पब्लिक सेक्टर को क्या करना है, सोशल वेलफेयर देखनी है. इन इफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर्स, इनएफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर क्या है. अंडर दिस सिस्टम बोथ द सेक्टर्स आर इनएफेक्टिव इन नेचर. इनएफेक्टिव इन नेचर मतलब इफेक्टिव काम नहीं कर रहा. द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट गेट फुल फ्रीडम्स, हेंस बिकेम इनएफेक्टिव. दिस लीड टू द इनएफेक्टिवनेस अमंग द पब्लिक सेक्टर. इन ट्रू सेंस बोथ सेक्टर आर नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव बट ऑल्सो कम्प्लीमेंट्री इन नेचर. ये पॉइंट थोड़ा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखना, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, कॉम्पिटिटिव नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक कोई चीज बनाएगा तो दूसरा उसका नहीं बनाएगा, कम पैसे में बनाएगा, राइट है. इसके बाद इनएफिशिएंट प्लानिंग, आप देर आर नो सच कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी. अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है आगे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग आपको पता चलेगा. मिक्स्ड इकोनॉमी एज ए रिजल्ट अ लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. इसको थोड़ा पॉइंट्स को देखना है क्या, कि देयर आर द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बनती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिससे क्या होता है, लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सारी चीजें ऐसे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल अंतर्गत नहीं आती है. देखेंगे क्या क्या है. Lack of efficiency in this system, both sectors suffer due to the lack of efficiency. In public sector, it is so because government employees do not perform their duty with responsibility, while in private sector, efficiency goes down because government employees too many restrictions in the form of control, permit, license, etc.
गवर्नमेंट में इसका मतलब है गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वो तो सही से काम नहीं करते हैं, और प्राइवेट में काम करने के लिए अभी जैसे मान लो गवर्नमेंट की गाड़ी पुलिस की गाड़ी है, पुलिस के गाड़ी के लिए ले लेते हैं पुलिस का जो कार है वो, और एक प्राइवेट टैक्सी वाले का कार। पुलिस का जो कार है उसका इंश्योरेंस नहीं हो कोई नहीं पूछने वाला, अगर वही एक ड्राइवर का जो कैब ड्राइवर है उसके इंश्योरेंस नहीं होगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम में डालेंगे गवर्नमेंट। यही चीज आया कि यहाँ गवर्नमेंट का कोई भी काम हो उसको कोई देखा कर नहीं होगा, उसकी कोई एफिशिएंसी देखी नहीं जाएगी, मगर प्राइवेट में कुछ होता है तो उसको कंट वो परमानेंट लाइसेंस इस सब के चलते ये प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, राइट। डिले इन इकोनॉमिक डिसीजन, हर कोई डिसीजन जो होता है वो बहुत डिले होता है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट को थोड़ा देख लेना है कि ये डिले कैसे होता है। करप्शन, ब्लैक मार्केट, मिक्स इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा ज्यादा। उसके बाद थ्रेट ऑफ नेशनलिज्म, दैट मीन्स हमारे देश भावना के ऊपर नेशनलिज्म, सॉरी देशभक्ति के ऊपर थ्रेट है, ऐसा एक चीज यहाँ पे मेंशन है। ये पॉइंट्स को आप थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, अभी देखो एक्चुअल यहाँ तक जो आपकी थी ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है उसको ही हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से एक्चुअल चैप्टर में हम घुस रहे हैं कि चैप्टर में हम जा रहे हैं कि अभी एक्चुअल में चैप्टर है क्या। ऑन द 15th अगस्त ऑफ 1947 क्या हुआ, हमारा भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ कब, 1947 में, हमारे भारत के सामने सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क थी कि क्या 1947 में हम एक न्यूली डॉन फ्रीडम कंट्री बने, फाइनली वी वर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन आर ओन हैंड। ये पॉइंट देखो, द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज इन आर हैंड, ये पॉइंट क्या है, अब से हमारे कंट्री हमको देखना है। ये देखने के लिए क्या बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास थे कि कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, कंट्री में इतने सारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कंट्री डेवलप नहीं है, रोड नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, ये सब के बावजूद हम हमारे कंट्री को हमको क्या करना था, डेवलप करनी थी, वहां से हमको शुरुआत करनी थी। मान के चलो आपको पापा ने घर से निकाल दिया, बोला भाई अभी तू तेरा देख ले, अभी घर से बाहर निकल रहे हो तो देखो तुम्हारे जेब में 10 रुपए है, पहनने के लिए 2 कपड़े हैं और कुछ नहीं, रहने को घर है ना कुछ ना कुछ ना कुछ, समझ लो जैसा आपको लग रहा होगा फीलिंग, सेम फीलिंग था हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, राइट। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड डिसाइडेड अमंग अदर थिंग्स द टाइप इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुइटेबल फॉर आर नेशंस, कौन सा ऐसा जो इकोनॉमिक सिस्टम हो जो हमारे कंट्री के लिए सुइटेबल होगा। द सिस्टम विच वुड बी प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन द फ्यू, ऐसा सिस्टम हम करें जो कि सभी का डेवलपमेंट करें ना कि थोड़े लोगों का, राइट। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, मतलब ये बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे जिसमें से सोशलिज्म थोड़ा जवाहरलाल नेहरू को अच्छा लग रहा था कि वो अच्छा है, समझ लो सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले सिस्टम में आपको बता रहा हूँ जो रशिया फॉलो करता है। उसके बाद आते हैं, हाउएवर ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ द काइंड ऑफ सोशलिज्म एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन वेयर ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सोशलिस्ट को तो अपील करते थे मगर जो सोवियत यूनियन मतलब रशिया में सोवियत यूनियन थी वहां पे जैसे प्रैक्टिस हो रहा था कि पूरे कंपनी फैक्ट्रीज पूरे इंडस्ट्रीज सब गवर्नमेंट ही ओन कर रही थी, वैसा ये नहीं चाहते थे, मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद देर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पार्टनर ऑफ लैंड। अभी आप समझो इंडिया में पहला पॉइंट तो हम सोशलिस्ट नहीं ले सकते क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि क्या चप्पल से लेके नमक से लेके कार से लेकर रेलवे तक सब कुछ वो बना पाए, इतना तो रिसोर्स गवर्नमेंट के पास नहीं था, या अकेले के दम पे कर नहीं सकते क्योंकि तब हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए हैं तो सोशलिस्ट तो कतई नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट आता है कि हम कैपिटलिस्ट अपनाते, कैपिटलिस्ट अपनाएंगे तो गवर्नमेंट सब कुछ छोड़ देता, दे देता किसको,
प्राइवेट को, प्राइवेट को देता है। अभी प्राइवेट जो क्यों हमारे कंट्री में 5-6 थे एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग सभी चीजें नमक से जूता वूता सब बनाने लगते थे। कैपिटलिस्ट आपको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो हमारा कंट्री ऐसा चांस था कि फिर से ब्रिटिश जैसे किसी के अंडर में चले जाए, मतलब हम कैपिटलिस्ट भी नहीं ले सकते। तो इन दैट केस हम क्या लें, तो इसमें से एक नया आइडिया निकल के आया जो था क्या हमारा मिक्सड इकोनॉमी, मतलब दोनों को मिला के एक इकोनॉमी हम चूज करें। वो था क्या मिक्सड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट कि कैपिटलिस्ट भी रखें सोशलिस्ट रखें। कैपिटलिस्ट में क्या होगा, जो गरीब सभी लोगों को इफेक्टेड ना करे, जैसे आप मान लो जो सभी लोगों को इफेक्टेड ना करे, ऐसे कुछ प्रोडक्शन की जिम्मेदारी उनको दे दिया जाए और बाकी कुछ प्रोडक्शन जैसे कि जो नेसेसरी है वो सब प्रोडक्शन गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे। जैसे कि आप समझ लो कि हेवी इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज सबकी बेसिक इंडस्ट्रीज है, आयरन को क्या कर दिया गया, रख दिया गया अपने पास। दैट मीन्स ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज जो बेसिक है उसको अपने पास रख लो। और जो इंडस्ट्री जैसे कार या एसी बनाने वाले, कार तो गरीब खरीदने से रहा वो रिचेस्ट ही खरीदेंगे, तो वो प्राइवेट को दे दो, उससे जितना लूटना है वो कंपनी लूट ले। मगर जैसे कपड़े जूता ये सब बनाने वाले कंपनी, वो सब कौन हैंडल करे, गवर्नमेंट हैंडल करे, ताकि ये गरीब यूज करते हैं। बस समझ गया ना, तो इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्शन किया गया था। जाते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसे मैंने जो चीजें आपको बताई ना वो सभी चीजें इसमें हैं। नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स थिंकर्स न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया साउट एन अल्टरनेटिव टू द नेशनल एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म सोशलिज्म, बेसिकली सिंपथाइज्ड विद द सोशलिस्ट आउटलुक। दे फाउंड द आंसर इन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच फ्यू कंबाइन बेस्ट फीचर ऑफ सोशलिज्म विदाउट इट्स ड्रॉबैक। कुछ सोशलिज्म को पिक किया गया। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब लोगों का जो जमीन है सब कुछ लोगों का रहेगा, वही तो है ट्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों का रूल। अभी सब गवर्नमेंट सोशलिस्ट आ जाता और आपके सभी प्रॉपर्टी सब कुछ लेके चले जाता, तो हम उसको ट्रू डेमोक्रेसी थोड़ी ना बोलते हैं, राइट है? तो प्राइवेट सेक्टर। इन 1950 प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। अब ये कब हुआ, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, कौन इसका चेयरपर्सन रहा, प्राइम मिनिस्टर। मतलब जब जो समय में जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो उसके चेयरमैन चेयरपर्सन रहेंगे। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान बिगन, यहाँ से 5 ईयर प्लान बिगन हो गया। अभी ये समझो ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम बीच में आए, ये जो फ्री प्योर मार्केट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये प्लान्ड इकोनॉमी आपका गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। बीच में हमने इसमें से थोड़ी चीजें उठाए, इसमें से थोड़ी चीजें उठाए, बीच में बनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें सोशलिस्ट का जो अच्छी चीजें हैं हमने पिकअप कर लिया और जो कैपिटलिस्ट की अच्छी चीजें हैं उसको हमने पिकअप कर लिया। ये कहाँ फॉलो होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में जो ये जो आप देख रहे हो ना, नॉर्थ कोरिया में ज्यादा सोशलिस्ट है कैपिटलिस्ट कम है, चाइना में सोशलिस्ट ज्यादा है ये कम है, फ्रांस में कैपिटलिस्ट ज्यादा आ जा रहा है, वो सब एग्जैक्टली मिक्स्ड इकोनॉमी। यूनाइटेड स्टेट और जापान में, यूनाइटेड स्टेट से जापान यहाँ पे ज्यादा क्या प्राइवेट को दे रहे हैं, सोशलिस्ट बहुत कम है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ घूम जा रहे हैं इसमें हमको ये पता चल रहा है कि कौन सा क्या है, कौन सा कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी और कौन सा कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट में अभी देखो हम आते हैं, देखो यहाँ से हमको क्या पता चला कि एक ऐसा प्लानिंग प्योर प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किए, मिक्स्ड इकोनॉमी चूज किए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कौन सा चीजें वो लेंगे, कौन सा चीजें हम लेंगे, क्या उनका टारगेट होना है, क्या हमारा टारगेट होना है, हम कैसे डेवलप करेंगे, यही सब प्लानिंग हमको अभी आगे चल के डिस्कस करनी है। यहाँ पे व्हाट इज प्लानिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछी जाती है बार बार एग्जाम्स में, तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट? तो समझ लो, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स सेंट्रल अथॉरिटी कौन है, जैसे हमारे कंट्री में प्लानिंग कमीशन है, आफ्टर इंडिपेंडेंस तो कमीशन बनाई गई थी। Sets a set of target and specifies a set of programs and policy to achieve those targets within the specified period of time. मतलब एक कुछ target set करते हैं जिसको हम specified period of time के अंतर्गत क्या
अचीव कर पाए. द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेस. मतलब ये जो रिसोर्सेस, क्या प्रिंसिपल फोकस इज दैट, हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसका रैशनल मतलब सभी के लिए यूटिलाइज हो पाए, ना कि कुछ ही लोग यूज कर पाए. ऐसा द रिसोर्सेस आर टू बी सो रैशनली ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइज्ड सो सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड अलोंग विद जीडीपी ग्रोथ. उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्लानिंग है जिसको सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं, जैसे कि भारत में प्लानिंग कमीशन. एक टारगेट को सेट करते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते हैं टू अचीव टारगेट को विद इन स्पेसिफिक पीरियड, 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंतर्गत हम उसको अचीव करें. और ये प्लानिंग बनाते वक्त ध्यान दिया जाता है कि स्कैर्स रिसोर्सेस का रैशनल मैनेजमेंट हो और ये रिसोर्सेस को ऐसे यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि सोशल वेलफेयर हो और जीडीपी ग्रोथ हो. उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं. ये एक मार्क का वीवीआईएमटी क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करना है. Then next point आता है, economic planning means utilization of country's resources in different development activities. देखो planning commission क्या कहता है, economic planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priority. मतलब economic planning कहता है हमारे resources को use करना development activity के लिए किसके priority में, देश के priority के base में, भारत के प्रायोरिटी के बेस में हमारे रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज करें फॉर द डेवलपमेंट. राइट, दैट इज प्लानिंग कमीशन बोल रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है. इसके बाद हम थोड़ा यहाँ आते हैं. इन इंडिया द इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950 अंडर द मेंबरशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबी. ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन, ये एक पॉइंट नोट कर लेना, प्लानिंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन एबोलिश्ड इन फरवरी 2015, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक सच पॉलिसी दैट एक्सीलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ. अब ये नीति आयोग क्या है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन 1950 से बना था वो 2015 में हटा दिया गया, यहाँ पे लाया गया क्या, नीति आयोग. अभी नीति आयोग के ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपको कंप्लीट आइडिया देगा कि नीति आयोग के कौन मेंबर है, क्या है, कौन हेड है, वो सब के बारे में. राइट, तो आगे, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग के आगे देखेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एग्जिस्ट किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है और किस में, 7th शेड्यूल में है. कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में और 7th शेड्यूल में है. ये इंपॉर्टेंट वीवीआईएमपी पॉइंट है बेटा, समझ लो. राइट, तो ये कौन है, प्रोफेसर महालनोबी है, फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक. इनका पूरा नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबी. 29 जून 1893 में पैदा हुए, 28 जून 1972 को इनका देहांत हुआ है. राइट, समझ गए. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. पीसी महालनोबी के बारे में थोड़ी चीजें हैं जानना बहुत जरूरी है. महालनोबी पैदा होते हैं 1893 में कलकत्ता में. देखिए प्रीवियस स्लाइड में 1893 जी उनके डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है. ये पढ़ाई करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और फिर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करते हैं. सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हिज आइडियाज, इन्हीं के आइडिया में सेकेंड फाइव ईयर प्लान बना जो 1956 का है. अभी इसी चैप्टर में हमको पूरे फाइव ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे. राइट, regards as the architect of Indian planning, इनको architect of Indian planning मान बोला जाता है. Who is the architect of Indian economic planning? तो आपको लिखना पड़ेगा PC महालनोबी. Right? ये हमारा हर competitive exams के लिए बहुत ही important point है. Educated
from Presidency College, Kolkata, later on Cambridge. Yehi point yahan repeat ho gaya. Sorry for this inconvenience, dear students. ठीक है. उसके बाद in 1946 he was became a fellow member of Britain's Royal Society. Royal Society का ये क्या बने? Fellow members बने. कब? 1946 में इनको बनाया गया. यहाँ पे हर कोई साइंटिस्ट ही ये रॉयल सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. आप ये समझ लेना, साइंटिस्ट कुछ अवदान है किसी भी फील्ड में तो ये ब्रिटेन में रॉयल सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं. तो इनको 1946 में रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया था. एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट जिसको हम ISI बोलते हैं. ISI का फुल फॉर्म ये नहीं है, आतंकवादी नहीं है, ये क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कोलकाता. और इनका जर्नल एक था जिसका नाम संख्या था. ये संख्या के बारे में हमने दिया है. संख्या का मतलब क्या है? नंबर्स. हम इसको संस्कृत में बोलते हैं संख्या, राइट है? तो ये थोड़ा आप देख लेना, इसके बारे में थोड़ी चीजें यहाँ दी हुई है. और नेहरू महालोभी मॉडल ग्रोथ, मॉडल ऑफ ग्रोथ ये देख लेना. दिस मॉडल एम्फसाइज ऑन द रैपिड डेवलपमेंट ऑन हैवी इंडस्ट्री विद द एम ऑफ क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल बेस ऑफ इकोनॉमी. ये सेकंड फाइव ईयर प्लान था. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जस्ट एग्रीकल्चर के ऊपर था. सेकंड फाइव ईयर प्लान में जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड फाइव ईयर प्लान में महान लोभी जी को आइडियाज ली गई थी. नेहरू और महान लोभी दोनों ने ये आइडियाज को क्रिएट किया था. और इसमें इनका इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी ऑल्सो मेक इट सेल्फ रिलायंट कैपिटल ऑफ गुड्स सेक्टर. हमारे गुड्स में हमको सेल्फ रिलायंट हमको बनाना है. ये आपको देखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेहरू और महालोभी मॉडल ग्रोथ क्या था? तो आपको ये चीजें समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्लियर हो रही है? एक मिनट थोड़ा, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रही है, लगा दे रहा हूं. तो इसके बाद ये आपको थोड़ा देख लेना है, समझ रहे हो ना? अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल स्पीयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग क्या है, ये थोड़ा यहाँ समझ लेंगे. इकोनॉमिक एंड सोशल स्पीयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ये क्या है? इन इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्पीयर्स ऑफ एरिया ऑफ एक्टिविटीज. भारत में क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल. इकोनॉमिक मतलब देश का पैसों के जैसे GDP डेवलपमेंट. और सोशल क्या है? जैसे स्कूल एजुकेशन ये दिया हुआ है नीचे देखो. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक स्पीयर्स, जिसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं. और सोशल क्या है? एजुकेशन हेल्थ हाउसिंग प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्पीयर्स आर, राइट? प्लानिंग दैट कवर्स बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्पीयर इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा, ये एक इम्पोर्टेंट IMP यहाँ बन रहा है, समझ गए? उसके बाद आता है एम्स ऑफ प्लानिंग. देखो हम कहाँ, नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी ले लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद हम प्लानिंग में घुस गए हैं. ये प्लानिंग होता क्या है इसको हमको समझना है. अच्छा, प्लानिंग का क्या एम होता है ये थोड़ा हम समझ लें. इनिशिएट डेवलपमेंट टू राइज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स. भारत में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हो. ब्रिंग द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स. आफ्टर 1947 बिल्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल. नेहरू अपील्ड सोशलिज्म, ये तो हमने देखा ही था ये कैसे हुआ था. उसके बाद इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट नेशन. पब्लिक सेक्टर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमको आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की 1948 का क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ये हम आगे देखेंगे. ये सभी के लिए हमको क्या प्लान बनाना बहुत जरूरी था, प्लानिंग का एम था, ये हमारा प्लान है, राइट है? इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखते हैं नीड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. भारत में प्लानिंग, इंडिया में प्लानिंग की जरूरत क्या है, इस सब की नोट्स बनानी है आप लोगों को, समझ रहे हो? इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी. इंडिया जो आया तब हमारा भारत क्या था? बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, मतलब पिछड़ा हुआ था, बात समझ रहे हो? इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्टिविटी वर लो एंड इट वॉज स्टैग्नेंट. द GDP ग्रोथ वॉज ट्रेडिंग एक्सट्रीमली लो. ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली लो.
हमारा भारत का जो जीडीपी ग्रोथ था वो एक्सट्रीमली लो था. सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दे नहीं सकते, एंड डिमांड टू ट्रेस द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हम ऐसे चीजों यहाँ पे दे नहीं सकते. इट नीडेड टू बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट हैज द रिसोर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग. ये ऐसे मार्केट फोर्स को हम दे नहीं सकते, यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत था. इसीलिए गवर्नमेंट को लेना है तो यहाँ क्या करना है, प्लानिंग बनानी है. राइट तो यहाँ दो चीजें आते हैं, एक तो हो गया आपका क्या डायरेक्टिव प्लानिंग और एक हो गया आपका क्या डायरेक्टिव प्लानिंग और एक क्या है प्लानिंग है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है, ये थोड़ा आपको देखना बहुत जरूरी है बेटा. राइट डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू द सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. मतलब डायरेक्टिव प्लानिंग आप समझ लो, इट इज कंप्लीटली क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है सिस्टम, समझ रहे हो ना. डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू द डायरेक्ट टू द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. In such planning, there is no direct participation of the state in the process of growth. Growth में state का कोई role नहीं है. It is more like क्या direct to the private sector with regard to the set of what does or does not, so that the national interest does not suffer while individual gains are allowed to the maximize. यहाँ पे ऐसे चीजें हैं कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जिसमें नेशनल को कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल गेन होगा तो आता जाएंगे टैक्सेस. डायरेक्टिव प्लानिंग इज पर्सीव्ड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. क्लियर हो गया, इसको थोड़ा देखना है, आपको डिफरेंशिएट पूछी जा सकती है. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज पर्सीव्ड इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी. In case of mixed economy, both private and public sector coexist as agent of the growth, while individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, social gains are fostered through direct participation for the states of under socialism. आप अभी ये देख लेना, right? ये बहुत ही important है, directive planning और comprehensive planning क्या है, right? उसके बाद हम move करते हैं दूसरे में. What is free play market force? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ नहीं रहा हूँ जो बोर्ड में पूछ दिया जाए और आप तारे गिनते बैठ जाओ वहां पे, ठीक है. तो ऐसे ये पॉइंट्स को नोट करना जरूरी है. What is free play of market force? It refers to a situation when the government of a country does not interface with the market force of supply and demand. Producers are free to allocate resources to the productions and ये exactly ये भी आपका क्या capitalist economy बोलते हैं. जहाँ capitalist economy का existence ज्यादा आ जाता है वहां पे हम बोल देंगे क्या that is free play of market force. और यहाँ पे पूरी चीजें लिखी हुई है, आप इसको समझ जाओगे और कोई doubts है तो आप मुझे directly call करके पूछ सकते हो या WhatsApp में पूछ सकते हो. Thank you very much, आज के लिए इतना है, ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहना क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है और ये सिलेबस चैप्टर को हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे. ओके थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, स्टे सेफ और अपना बहुत ख्याल रखना.